Hi guys, you're watching Nupur Bansal on Divine Life Tarot. Welcome to this page and very 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 thank you. I mean, जितना मैं आपको thank you बोलूँ उतना कम है. इतना सारा प्यार, इतना सारा support देने के लिए. And I know I have been running very very busy with the appointments and everything. और बीच बीच में festivals भी थे तो I was not able to come live. So I'm really sorry about that, but still I'm trying my best to keep you guys updated. तो जैसा हम सब जानते हैं कि 2020 ख़त्म होने पे है. Finally, इस साल ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है. कई सारे लोगों को खुशियाँ दी हैं, कई सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है, कई सारे लोगों की जाने भी ली हैं, कई परिवार अधूरे भी हुए हैं, कई परिवार पूरे भी हुए हैं. तो जैसे कहते हैं ना कि खुशी और गम दोनों साथ साथ चलता है, तो 2020 शायद उन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रहा है. बट हम लोग अभी तक यहाँ तक सर्वाइव कर पाए, उसके लिए वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हम लोग अभी तक कोरोना को भी फाइट कर पाए हैं 2020 में और यहाँ तक पहुँचे हैं. दिसंबर एंड होने पे है एंड वी होप कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि 31st तक भी सब चीज़ें अच्छी रहें. और ये साल हमें बहुत कुछ सिखा कर भी गया है और आगे आने वाले टाइम में हम लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे भी. बट हम 2020 इस ईयर को जितना पॉजिटिवली लें उतना अच्छा है. जैसे हाय गाइस, हाय. आई नो मैं इस बहुत वियर टाइम के ऊपर लाइव आई हूँ क्योंकि आई वॉज डूइंग सेशंस इन कैनेडा और US. तो उनका जो टाइम फ्रेम है अभी इंडियन टाइम से मैच नहीं करता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है. एंड नमस्ते पूजा. तो बैक टू द पॉइंट कि कोरोना ने हमें बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि जिन चीज़ों के पीछे हम लाइफ में भाग रहे थे वो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं थी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके पीछे हम भाग रहे थे. अल्टीमेटली हमें एट द एंड ऑफ द डे ये समझ में आया कि लाइफ अपने आप में ही एक वो ट्रेजर टावर है जो हम सबको चाहिए. उससे ऊपर कुछ नहीं. हमारी लाइफ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है. तो अब एक काम करते हैं, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि 2021 में हर सन साइन, मून साइन आपका जो भी है कि उससे मैच करता हुआ, उसके लिए क्या गाइडेंस है. हर सन साइन के लिए निकालते हैं. आपके भले ही सन साइन में आता हो या मून साइन में आता हो तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से. बिकॉज़ आई एम अ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ साईं बाबा और उनसे मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छा मैं फील करती हूँ और इसीलिए उनकी गाइडेंसेस को ज़्यादा फॉलो करके चलती हूँ. क्योंकि भले ही कोई भी धर्म को हम मानते हैं, भले ही हम लोग किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि भगवद गीता में भी जो श्लोक लिखे हुए हैं या हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो कहा है या हमारे दरगाह में जाकर हमें जो फील आता है, तो किसी भी रिलीजन से वो बाउंडेड नहीं है. हर जगह सेम ही शिक्षा है, बस उस शिक्षा को देने की या तो लैंग्वेज अलग है या तरीके अलग हैं. बात तो सेम ही है. तो मेरा जो कनेक्शन है वो साईं बाबा से बैठता है, इसीलिए मैं हमेशा गाइडेंसेस के लिए साईं बाबा कार्ड्स को ही यूज़ करती हूँ. आज मैं वही यूज़ करने वाली हूँ. तो आई थॉट कि मैं लाइव जाकर ही इस वीडियो को बना दूँ, तो हेयर आई एम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सन साइन जो मैं ले रही हूँ वो है एरीज, ठीक है. जिनका अगर आपका सन साइन मून साइन एरीज है तो ये गाइडेंस आपके लिए. तो लाइव शफलिंग हम करेंगे इसमें. डियर, आई कैन नॉट रीड एनी कार्ड फॉर एनीबडी इन दिस लाइव सेशन एज इट्स नॉट अ टैरो सेशन. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो अभी 3 दिन के लिए आई हैव माई ऑफर जो मैंने अभी इंस्टा पे पोस्ट भी कर दिया है. तो अगर आप चाहते हो तो मेरा जो स्टाफ है दे विल अपॉइंटेड और बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं आई गेस. अब 29th का तो अभी कोई भी नहीं है. 30-31st में जो होंगे यू विल गेट इट. और बहुत जल्दी आई विल कम विद अनदर फ्री रीडिंग, टैरो रीडिंग, जिसके अंदर हम कार्ड रीड कर सकते हैं पर्टिकुलरली आपके लिए, जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे उस टाइम पे. अभी हम लोग एरीज की बात कर रहे हैं. एरीज के लिए 2021 में क्या गाइडेंस उन्हें फॉलो करनी चाहिए या साईं बाबा की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, ये चेक करते हैं. चलिए, एरीज जिनका सन साइन या मून साइन है, लेट्स सी साईं बाबा गाइडेंसेस के थ्रू हमें क्या मिलता है एरीज के लिए. एरीज, आपके लिए मैसेज आया है शिव शक्ति. बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी. ये देखिए,
हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही पावर्स होती हैं। हम लोग शिव के साथ भी पैदा हुए हैं और शक्ति के साथ भी, बट कई बार क्या होता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ को लेके होती है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ को भी हम बोलते हैं, बट शक्ति का मतलब है इनर स्ट्रेंथ। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन, इमोशनल और प्रैक्टिकल जो हमारे लेवल्स होते हैं, उसे बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। अगर आप इस टाइम 2020 में हाउ टू नो सन साइन और मून साइन फॉर वर्गो, सन साइन का मतलब है आपके जो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप पैदा हुए हो, उससे आप कैच कर देखते हो कि आपका क्या सन साइन है। मून साइन आपके कई लोग लग्न दिखा लेते हैं अपना, उससे भी मून साइन पता लग जाता है। इवन आप नेम्स के जो फर्स्ट लेटर होते हैं उससे भी पता चल जाता है। चलिए बैक टू दिस, क्योंकि वीडियो रह जाएगा नहीं तो मेरा, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम फ्रेम। चलिए शिव शक्ति पे आते हैं। शिव शक्ति का मतलब है आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं और जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, इन दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। ये 2021 के लिए आपके लिए गाइडेंस है एरीज, आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, 2020 जो आई कुड इंट्यूटिवली फील फ्रॉम इट, कि हो सकता है कि आप में से 99% लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हों। वो सारे ही सन साइन, जितने भी हमारे सन साइन मून साइंस हैं, सभी गुजरे हैं, उसमें हम एरीज को नहीं पॉइंट आउट करेंगे, बट डेफिनेटली ये गाइडेंस एरीज के लिए है कि अपने अंदर शिव को भी जगाओ और शक्ति को भी, दोनों को बैलेंस करके चलो। बैलेंस करके चलोगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी लाइफ से ही निकल आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सन साइन लेते हैं, टॉरस। टॉरस के लिए देखते हैं, टॉरियंस आपके लिए क्या गाइडेंस आई है साई बाबा कार्ड से फॉर 2021. ओके, बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज। टॉरियंस आपके लिए सबसे अच्छी गाइडेंस जो आई है, बहुत अच्छी गाइडेंस है वैसे ये, कि टॉरियंस में वैसे भी काफ़ी हद तक देखा गया है कि दूसरों के लिए करना, ह्यूमैनिटेरियन जिसको बोलते हैं, कि उन्हें लगता है कि नहीं नहीं इसका हम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्प करने में क्या जा रहा है। तो बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर। अभी तक पास्ट में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रहे हो लोगों के साथ, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपको एज ग्रांटेड ले रहा है, कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की, और फिर भी आप करे जा रहे हो, तो वो आंसर नहीं है आपकी प्रॉब्लम का, या आपके रिलेशनशिप्स का, या आपकी फैमिली का, या आपके इवन करियर पे भी, वर्क प्लेस पे भी आपको लग रहा है नहीं 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 मैं करता रहूं या करती रहूं और ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये जो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इवन अभी मैं भी रीड कर रही हूँ, या इफ़ आई एम वर्किंग, तो आप मतलब सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। आई कैन कंट्रोल कि सामने वाला जो मर्जी सोचे, मैंने अपने बारे में क्या सोचना है। तो वट सो एवर आई फील अबाउट माई सेल्फ, दैट इज माई असर्टिवनेस। ये गाइडेंस आई है, ये कॉन्फिडेंस जो है ना कहीं हो सकता है 2020 में काफ़ी हद तक आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस लूज कर गए। 2021 के लिए टॉरियंस के लिए, जो टॉरस हैं, उनके लिए गाइडेंस है कॉन्फिडेंस अपना वापस लेकर आओ। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना आंसर नहीं होता, अपने लिए अच्छा होना आंसर होता है। जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, सामने वाले के लिए आप वैसे ही अट्रैक्टिव हो जाते हो, भले ही वो आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो। हाय इनल, आई नो मैं इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हूँ बिकॉज ऑफ टाइम की शॉर्टेज है, और जल्दी जल्दी आई एम कवरिंग अप द गाइडेंसेस फॉर ऑल द सन साइंस। चलिए नेक्स्ट आई एम टेकिंग जेमिनी। ओह माय गॉड, जेमिनीज क्या बात है, दिमाग शांत नहीं रहता। जेमिनीज को हो सकता है मेंटल स्ट्रेस काफी रहा हो, छोटी छोटी बातों को जल्दी 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 परेशान होना, दिमाग 24 घंटे चलाना, तो वो वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा फील हो रही है जेमिनी के साथ। हाँ क्या बात है, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े सारे लोग कहते हैं मुझे कि मैम आप रीडिंग करते हो या किसी की भी काउंसलिंग करते हो या कंसल्टेशन करते हो, तो आप इस तरीके से बात क्यों करते हो, तो क्या करूँ मैं, आर्टिफिशियल हो जाऊँ?
आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, आप ऑलरेडी परेशानी में मेरे पास आते हो और मैं आपको हार्ड हार्ड मतलब बहुत महान किस्म के वर्ड्स को यूज़ कर करके आप पे थोप दूँ कि नहीं नहीं मैं तो कितनी समझदार हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम लाइटली करते हैं सेशंस को, गाइडेंसेस को, उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो मुझे पता है कई लोग उससे चिढ़ भी जाएंगे और कई लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, तो दोनों चीज़ों को वेलकम है। चलिए बैक टू जेमिनाइज के लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है 2021 के लिए। 2020 तो निकल गया, 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, मुझे तो बहुत कुछ सिखाया। चलो देखते हैं 2021 में जेमिनाइज के लिए क्या गाइडेंस है। ओ माई गॉड, मतलब आई कांट बिलीव कि ये गाइडेंस आई है। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। ये देखो इतने सारे देवी देवता बने हुए हैं इस कार्ड में, इतने सारे भगवान जी बने हुए हैं। ये देखो, हो सकता है किसी ना किसी को तो आप मानते हो, क्योंकि हम सबको एक इष्ट देवता की ज़रूरत होती है, हमारा कनेक्शन कहीं पर भी बन जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा कनेक्शन है, तो जो भी चीज़ें जेमिनाइज आपके साथ हो रही हैं या हो चुकी हैं या होंगी, वो सारी आपके मास्टर्स, मास्टर मतलब हमारे भगवान, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनको भी आप मानते हो, उनकी विल से हो रहा है। ठीक है, उनकी विल से मतलब उनकी मर्जी से, उनकी कहते हैं ना भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जो एक उनकी उनका जब समय होता है, जब उन्होंने कुछ करना होता है, तो फिर वो ये नहीं देखते कोरोना किसकी वजह से आया, ह्यूमन माइंड रखे रह गए, कुछ नहीं हो पाया, दुनिया का बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाया कोरोना के आने से पहले कि कोरोना जैसी चीज़ भी आ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं हमारे हाथ में, भगवान के ऊपर छोड़ दो, कुछ चीज़ों के जवाब नहीं होते। और जो लोग कहते हैं हर चीज़ का जवाब है, नहीं, बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं है, और कुछ चीज़ें हमें फील भी नहीं होती कि हो क्यों रही हैं। आज जो हमारे साथ हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, आने वाले टाइम में उसका आंसर हमें ज़रूर मिल सकता है, हो सकता है आज ना मिले। ठीक है, तो जेमिनाइज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, या आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, 2021 में जो कुछ भी होगा वो सब भगवान की मर्ज़ी से होगा। तो जिनकी आप पूजा करते हो, जिनमें आप इतना पूजते हो, उन पे इतना फेथ तो रखो कि जो करेंगे सही करेंगे, और दिमाग को शांत रखो, क्योंकि अभी मैं कार्ड शफल कर रही थी जेमिनाइज के लिए, कार्ड्स बिल्कुल हाथ से निकल निकल के भाग रहे थे। हो सकता है आपके थॉट्स इस टाइम कंट्रोल में नहीं है, तो जेमिनाइज के लिए यही गाइडेंस है 2021 में कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, इस कार्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो, और जो आगे होगा वो भी उनकी मर्ज़ी से होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सन साइन पे, कैंसर। कैंसेरियंस जो हैं, कैंसेरियंस के लिए चेक करते हैं क्या गाइडेंस आई है 2021 में। कैंसेरियंस क्यों इतने इमोशनल हो भाई आप? वैसे तो वाटर साइन होता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हम सबको पता ही है, मतलब सबको नहीं, यूजुअली लोगों को पता ही होता है कि कैंसेरियंस बहुत इमोशनल होते हैं। यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। अपनी खुशियों को ना बाहर ढूंढना बंद करो। 2021 के लिए ये गाइडेंस है आपके लिए। हो सकता है आप अपने इमोशनल, मेंटल या करियर के लिए भी इवन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, वो चेंज होगा तो मैं चेंज होऊंगा, वो ऐसा कुछ करेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो मतलब हम दूसरों की जेब में अपनी ही खुशियों की चाबी डाल के बैठ गए। तो ये कैंसेरियंस के साथ अभी तक ये हो रहा है। और ये जो यूनिवर्स है ना, कई लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस कहाँ से स्टार्ट होती है, हैप्पीनेस स्टार्ट होती है सिर्फ एक इंसान से, और वो आप खुद हो। आपका यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? आज आपके जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तो क्या होता है, प्राण निकल गए तो यूनिवर्स भी निकल गया ना, यूनिवर्स तो हमारे अंदर ही है, हम सबको ठीक करने में लग रहे हैं सिवाय अपने। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ही की लाइफ से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। तो इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए। ये जो भटकना है ना, ये भटकना आपको कभी ज़िंदगी में खुशियों से बहुत परे रखता है।
तो हमें भटकने पे काम करना है 2021 में कैंसेरियंस, थोड़े इमोशंस पे काम करो, बहुत हाईली इमोशनल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लियोज के लिए। जो लियोज हैं उनके लिए 2021 के लिए क्या गाइडेंस है? गाइज अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं या वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर इट, इसे शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्या पता किसके लिए क्या गाइडेंस छुपी हो। थैंक यू जीत जी। चलिए लियोज़ की बात करते हैं कि लियोज़ के लिए क्या गाइडेंस है 2021 में। कई लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ टैरो रीडिंग करती हूँ, भाई मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, सेशन में टैरो रीडिंग करती हूँ, अदरवाइज आप न्यूमरोलॉजी के लिए, न्यूमरो एस्ट्रो के लिए भी ठीक है, और आप हीलिंग्स के लिए, रेकी के लिए, क्रिस्टल्स हीलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन वास्तु के लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं हूँ। चलो, और वैसे भी ये सारी की सारी जितनी भी साइंस है ये ऑकल्ट साइंस का पार्ट है, तरीके अलग अलग हैं। कई लोग तो टैरो से ही इतना कुछ अच्छा बता देते हैं कि उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं होती। कई लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी से इतना अच्छा बता सकते हैं जी, जो उन्हें बाकी की साइंस की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं सब चीज़ें हटाओ, मुझे सिर्फ पेन पेपर दे दो, बहुत सारी चीज़ों के जवाब वैसे ही मिल जाते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि मैम मार्केट में तो ये चल रहा है, मार्केट में तो वो चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उससे आई डोंट केयर, क्योंकि मार्केट में हर वो चीज़ बिकती है जो ज़रूरत से ज़्यादा बचती है। जहाँ भीड़ दिखेगी वहीं लोग भाग लेंगे, वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर उसी के अंदर क्या होता है ना, आप लोग रीडिंग्स के ऊपर इतना वो हो जाते हो कि हमें रीडिंग करके बताओ, हमें बताओ हमारी प्रॉब्लम क्या है। यार आपको तो पता ही आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम ये बता सकते हैं इन सब चीज़ों से कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी फील नहीं हो रही, नज़र नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। उसमें अगर आप, मैं आपको आज ही गाइडेंस मिल जाए कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है, तो आप क्या करोगे, आने वाली लाइफ के लिए उस गलतियों को नहीं करोगे और वहाँ पे उसे चेंज करके अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो। बड़े से, मैं कह रही हूँ बड़े से बड़ा इंसान फेल है, जो आप अपने लिए कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। इवन मेरी कंसल्टेशंस भी होती है, मैं उसमें भी ये बोलती हूँ कि आप मुझसे ये मत पूछो मेरा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो मुझे मेरा नहीं पता 5 मिनट का, आपका क्या बताऊंगी मैं। हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि प्रेजेंट में मैं जो लाइफ जी रही हूँ या आप जो लाइफ जी रहे हो वो किस लिए जी रहे हो, क्या पर्पस है उसका, इस टाइम पे आप ऐसी क्या स्टेप ले सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो जिसकी वजह से आपकी ये सफरिंग खत्म हो जाए। यार हमें तो 5 सेकंड का नहीं पता होता, आप हमारा फ्यूचर बताइए। फ्यूचर मैं कह रही हूँ, हम फ्यूचर लिखने लग जाएंगे भगवान क्या करेंगे ऊपर से, वो बैठे बैठे ऐसे देखते रहेंगे कि भाई कर लो, तुम कर लो पहले, मैं तो बाद में आ जाऊँगा। तो इस साइंस को थोड़ा सा अलग तरीके से लीजिए, ये जो मतलब भेड़ चाल की तरह आप लोग भाग लेते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। चलिए टू लियोस, लियोस पे चलते हैं कि लियोस के लिए क्या गाइडेंस आई है। लियोस गुस्से ज़्यादा आता है आपको, फायर साइन होते हैं ना, लेकिन लॉयल भी होते हैं लियोस। चलिए लियोस के लिए 2021 में क्या गाइडेंस आई है। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली अभी मैंने बोला इतना फायरी एनर्जी होती है, तो फायरी एनर्जी होगी तो सफरिंग्स भी ज़्यादा होंगी। ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, लियोस के लिए ही है लेकिन आपसे कैसे भी रेजोनेट कर सकते हो। जब एक 2 माले की बिल्डिंग बनती है तो उसकी जो नींव होती है वो थोड़ी सी 2 माले के हिसाब, मतलब 2 बिल्डिंग 2 फ्लोर्स के हिसाब से होगी। जब 100 माले की बिल्डिंग बनती है, 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनती है, तो उसकी नींव उसी के अकॉर्डिंग डलती है, क्योंकि 100 माला ऊपर जाता है तो नीचे भी तो डिगिंग उसी हिसाब से ही होगी ना। जब हमारी लाइफ ग्रो कर रही होती है तो उसकी जो नींव होती है, वो जो नींव के अंदर मलवा डलता है ना, वो हमारी सफरिंग है। जितना ज़्यादा हम सफ़र करते हैं, जितना ज़्यादा हम पेन उठाते हैं, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ की बिल्डिंग स्ट्रांग होती चली जाती है। तो पेन अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। पेन आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, वीक बनाने के लिए नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो लोग कहते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार वही गलती कर रहे हो, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। आपको लाइफ जो सिखाने की कोशिश कर रही है आप वो नहीं सीख रहे हो, उसके अलावा सब कुछ सीख रहे हो।
ये गाइडेंस ये कहती है, जो सफरिंग्स भी हैं उसका रीज़न भी आप खुद ही हो, तो कभी भी पेन को देख के, परेशानियों को देख के, चैलेंजेस को देख के घबराना नहीं चाहिए। हम जब बचपन में मारियो खेलते हैं ना, कॉन्ट्रा खेलते हैं, जब वो मारियो खेलते थे, सुपर मारियो खेलते थे, फर्स्ट लेवल क्लियर होते ही जो सेकंड लेवल हम पहुंचते थे उसका डिफ़िकल्टी पहले वाले से ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है या चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा पेन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपकी तो लाइफ ही नहीं चल रही आगे। लाइफ ग्रो करेगी, लेवल पे बढ़ेगी, दैट मीन्स उसके हिसाब से चैलेंजेस भी आएंगे। आपने पीछे वाले चैलेंज को जो आपने फेस करके सीखा, आपने नेक्स्ट वाले चैलेंज के ऊपर उसे अप्लाई करना है और उसे पार करना है। भले ही हम देखते ना पांचवे लेवल पे पहुंच के क्लियर नहीं हो रहा होता लेवल, कॉन्ट्रा का भी क्लियर नहीं हो रहा, भाई दो दिन से खेल रहा हूँ क्लियर नहीं हो रहा, हम जो गिव अप नहीं मारते वो पांचवा भी क्लियर हो जाता है। बट जब हम हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये गाइडेंस है 2021 में लियोस के लिए। तो लियोस, आप अगर सफ़र करते आए हो, आई नो 2020 में सबने ही सफ़र किया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऊपर से अवतार हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में पेन नहीं देखा। पेन देखा है तभी यहाँ तक हूँ, बिना पेन के कोई नहीं पहुँचता। जो पेन है कोई बात नहीं, पेन अपनी जगह है, लेकिन उसे फाइट बैक करना आपके हाथ में है। तो आपके लिए लियोस ये गाइडेंस है। गाइडेंस अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइडेंस कैसी लगी। चलो नेक्स्ट मूव टू वर्गोस कि 2021 में क्या गाइडेंस आई है। वर्गोस, एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्योंकि जैसे ही मैंने वर्गोस का नाम लिया तो मोस्ट ऑफ यू जो उनका सन साइन मून साइन वर्गो है, हो सकता है प्रेजेंट में आप अपनी खुल के बात नहीं बोल पा रहे हो बहुत जगह पर, क्योंकि बीइंग अ हीलर इट्स वेरी प्रोमिनेंट के जो भी इंसान को, सामने वाले इंसान को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें किसी ना किसी तरीके से फील हो जाती है कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सप्रेशंस की प्रॉब्लम है वर्गोस के साथ। चलिए वर्गोस, कोई प्रॉब्लम है सामने वाले से डिस्कस कर लो खुल के, कोई भी दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की। चलो वर्गोस के लिए देखते हैं कि 2021 में क्या गाइडेंस है। द थ्री मैजिक्स, Have good thoughts, good words and good deeds as these will come back to you sooner or later in life. आज कार्ड्स में, गाइडेंसेस में एक गाइडेंस बहुत कॉमन है, हम अपनी लाइफ में दूसरों के लिए भागते हैं। जब ये गुड थॉट्स, गुड डीड्स हमारी तब मर जाती हैं जब हम सामने वाले के लिए करते करते मर जाते हैं, लेकिन सामने वाले से हमें रिटर्न में नहीं मिलता। और जब रिटर्न में नहीं मिलता तो हमारे थॉट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं, मैडम हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? सिर्फ करने से कर्म नहीं बनता, सोचने से भी बनता है। आज मैंने अगर आपके लिए या किसी के लिए भी कुछ गलत सोच लिया ना, इसका ये हो जाए, इसको तो भगवान देखेगा, यार एक बार बताओ उसको, चलो भगवान देख भी लेगा, आपकी भरपाई हो जाएगी उससे। कई सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरे पैसे उसने मार लिए, आप देखना भगवान उसकी ना सारा नुकसान कराएगा उसका। तो उससे क्या होगा, उसका तो चलो नुकसान हो गया और आपका क्या हो रहा है? उसके नुकसान से क्या आपके पैसे वापस आए हैं? नहीं आए ना, तो फिर ऐसे थॉट रखने ही क्यों हैं? और दुनिया में एक बात याद रखना, पैसे के मामले में एक बात समझा देती हूँ, दुनिया में कोई किसी का पैसा नहीं मारता, हर इंसान अपनी किस्मत का लेके जाता है आपके हाथ से। हो सकता है कभी ना कभी आपने लिए हो, कोई ना कोई कर्जा देना हो आपने उसका, क्योंकि आपके पास भी तो पैसा कहीं ना कहीं से किसी की जेब से ही आ रहा है, तो हो सकता है उन्होंने आपका कर्जा देना। तो कोई भी इंसान आपका नुकसान इंटेंशनली नहीं करके जाता, ये कर्मा है, ये कहाँ से वापस आ गया आपको पता नहीं लगा। हो सकता है आपने किसी और के लिए गुड डीड्स ना रखे हों, बैड थॉट्स रखे हों कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, तो वही आपको किसी ना किसी रूप में वापस मिल जाता है। इसीलिए 2021 में वर्गोज आपके लिए गाइडेंस है, अच्छे थॉट्स रखो, जो आपने किसी के लिए किया है उसे अच्छा रहने दो, उसे ख़राब मत करो। ये जो आप अच्छा करने के बाद ये थॉट्स ले आते हो ना, आप अपने करे कराए पे खुद ही पानी फेर लेते हो, फिर कहते हो मैंने तो इतना अच्छा किया। तो अच्छी इंटेंशन रखो, आज नहीं तो कल आपके पास वापस आ जाएगी। और ये गाइडेंस ये भी कहती है कि 2021 में वर्गोस को कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। पिछले जितने भी साल आपकी लाइफ रही है,
इस मोमेंट तक भी आपने कुछ भी अच्छा किया है उसका वापस आ जाएगा आपको 2021 में. तो गुड न्यूज़ आएगी तो मुझे मिठाई खिला देना, मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ, मेरी सेहत से वैसे ही पता लग जाता है. तो वर्गोस आपके लिए गाइडेंस है. आई नो नैन जो अभी मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपके लिए मैं कार्ड निकालूँ, इंट्यूटिवली कह लो या मिस्टिकली कह लो, यही गाइडेंस है आपके लिए. तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो शेयर भी करना, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जो वर्गो हो उसको गाइडेंस अच्छी लगे. चलिए मूव टू अनदर लीब्रा. कई लोग पूछ सकते हैं मुझसे कि मैडम आप उधर क्यों देख रहे हो बार बार, मैंने लिख के रखे मैं भूल ना जाऊँ. चलो लीब्रास के लिए देखते हैं. लीब्रास के लिए 2021 की क्या गाइडेंस है साई बाबा का से. वैसे तो आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मैं बोलना भूल गई स्टार्टिंग में. गुड मॉर्निंग सबको. और भगवान करे कि अभी तक आपने जितनी हिम्मत के साथ अपनी लाइफ को जिया है और जितनी हिम्मत के साथ इतना फाइट बैक किया है उससे ज़्यादा हिम्मत आपको मिले. मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स ही हल हो जाएं, मैं कहूँगी आप इतने स्ट्रांग हो जाओ. ये मेरी आपकी तरफ मतलब ब्लेसिंग मैं आपको दे सकती हूँ, विशेस दे सकती हूँ कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए, इतनी विजडम आ जाए कि आपको कोई हिला ही ना पाए लाइफ में. कितनी भी बड़ी स्टॉर्म मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम्स आ जाए ना, आप कहो यार तू आई जा, मैंने इतना झेल लिया मैं और झेल लूँगा. तो ये मेरी हमेशा सामने वाले के लिए विश रहती है कि मैं ये कभी नहीं कहती कि आपका प्रॉब्लम ना आए आपको कभी, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सीखोगे कब, सीखने के लिए भी तो प्रॉब्लम चाहिए. तो प्रॉब्लम आने दो, स्ट्रेंथ इतनी मिल जाए आपको कि आप कभी भी किसी चीज़ से घबराओ नहीं. जब हम कोरोना से नहीं घबराए तो किस चीज़ से घबराएंगे. चलिए मूव करते हैं लीब्रास पे कि लीब्रा के लिए क्या गाइडेंस आई है 2021 के लिए. मेरे हाथ से दो कार्ड उठे हैं लिब्रा के लिए और मैं दोनों वापस नहीं रखूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आपको खुद बताती हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ. लिब्राज क्या बात है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है आपका यूनिवर्स के साथ कि जो दो दो कार्ड आए हैं. चलो दोनों गाइडेंस दिखा देती हूँ 2021 के लिए लिब्राज के लिए. साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स. चुप रहने की ज़रूरत है लिब्राज. ज़बरदस्ती किसी को रियलाइज़ कराना कि तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है तूने ये कर दिया, चुप्पी साध लीजिए थोड़े टाइम के लिए. जो चुप्पी होती है ना, जो साइलेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी खासी किलर होती है शोर से. शोर इतना नुकसान नहीं करता जितना साइलेंस करता है. कहते हैं ना कि तूफान्स के आने की पहले की शांति होती है, शांति ज़्यादा खतरनाक होती है. तो जो साइलेंस होती है वो आपका सबसे बड़ा वेपन है. तो लिब्रास आपके लिए यही गाइडेंस है पहली. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है मेरे पास चेंज का. इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल. ये देखो इस इमेज में बहुत आराम से बताया गया है, जो एक बीज होता है, बीज धीरे 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 बड़ा होके तभी तो पहले पौधा बनेगा फिर पेड़ बनेगा ना. तो चेंज उसमें आ जाता है, टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाता है. वैसे ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ मैं जब मैं गाइडेंसेज निकालती हूँ. तो लिब्रा आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज 2021 में वेट कर रहा है. हो सकता है किसी करियर को लेके या जॉब को लेके आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम को लेके कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो. अब कई सारी लड़कियां मेरे पास 95% समझ लो फीमेल ही है जो मेरे पास आती हैं कि जब जिनसे हम बात करते हैं या सेशंस करते हैं वो कहती हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप करना बहुत है. जो कुंवारी लड़कियाँ स्पेशली उनके साथ क्या हो रहा है कि बार बार या इवन लड़के भी, जेंडर बेस नहीं करूँगी मैं किसी चीज़ को, कि आपकी लाइफ में कोई भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है तो वो बार बार आपको सेम पेन क्यों दे रहा है. किसी की लाइफ में 3 बार कोई पर्सन आ गया कि वो कहते हैं कि मैं पहले वाले से इतना धोखा खा के बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी, या पहले मेरे साथ ऐसा होके हटा था तो दोबारा मेरे साथ नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे सेम चीज़ रिपीट हो रही है. तो ये कर्मा रिपीट हुए जा रहा है, ये तब तक बंद नहीं होगा होना जब तक आप उसका बीज चेंज नहीं करोगे. किसी भी चीज़ का अगर आपको आउटकम देखना है तो उसके अंदर जो आप सीड सो कर रहे हो या बीज डबो रहे हो या दबा रहे हो उसको चेंज कर दो. अपनी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार किसी जॉब में जाती हूँ या जाता हूँ और वहाँ पर मेरे साथ यही होता है कि मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाती है और उसके बाद वो पॉलिटिक्स की वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ता है,
तो इस बार क्या करो ना, आगे से आपने क्या करना है 2021 में, कि अगर आपने कोई जॉब ऑफर लेनी है तो आपने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना जो आपने पास्ट में नहीं किया. आप बीच चेंज कर दो, आउटकम अपने आप चेंज हो जाएगा. इनपुट चेंज करोगे तभी तो आउटकम चेंज होगा ना. तो यही गाइडेंस है. तीसरी गाइडेंस जो इन दोनों कार्ड से मैं देना चाहूँगी वो ये है लीब्रास के लिए कि जब अच्छा टाइम ज़्यादा देर तक नहीं टिकता. कई लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है और हमें ना रोना पड़ जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है. तो कुछ लोग तो खुश होने से ही डरते हैं. वो इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारी हंसी रोने में ना पलट जाए, मतलब इतने फियर फोबियाज बढ़ जाते हैं. जब अच्छा टाइम ज़्यादा देर तक नहीं टिकता तो बुरा क्यों टिकेगा, बुरा भी चला जाएगा. 1:1 की रेशियो होती है. अच्छा टाइम भी 1% के लिए आता है, बुरा टाइम भी 1% के लिए आता है. ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है. फ़र्क सिर्फ इतना है, जब हम हैप्पी टाइम्स में होते हैं तो वो टाइम जल्दी निकल जाता है. जब हम बुरे टाइम में होते हैं या हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो टाइम रहता उतना ही है. हमें लगता है बहुत लंबा है, लंबा नहीं होता. दोनों की ड्यूरेशन सेम होती है. और आज नहीं तो कल चेंज होना ही होना है उसने. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है लाइफ में. तो ये दो गाइडेंस है लीब्रास के लिए. लीब्रास, आई होप कि आपका कनेक्शन अच्छा है यूनिवर्स के साथ. इन सारी गाइडेंसेस को 2021 में याद रखना, ठीक है. चलो मूव करते हैं अनदर साइन पे. स्कॉर्पियो. अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरा सन मून साइन क्या है. आई एम अ स्कॉर्पियन. मैं 18 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, ये भी बता देती हूँ. कई लोग पूछते हैं आपका बर्थडे कब आता है. 18 नवंबर अभी निकला है और साथ में आई एम अ स्कॉर्पियन. तो स्कॉर्पियंस के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी बोली जाती है कि इन्हें प्यार से रखा जाए तो इनसे अच्छा कोई नहीं, बट डोंट मेस विद अस. तो स्कॉर्पियंस अगर मुझे सुन रहे हो तो आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है, मेरे सेशंस लोग बुक कराते हैं, जैसे मैं हाफ एन आवर के हिसाब से चार्ज करती हूँ, तो हाफ एन आवर का मैंने सेशन बुक कर लिया. बट क्या होता है ना, कई बार कनेक्शन इतना अच्छा बन जाता है कि आई फील कि सामने वाले को अब भी मेरी ज़रूरत है. मैं 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए तब भी उसकी शक्ल नहीं देखती, बिकॉज आई फील कि नहीं, पहले मेरा फर्ज सामने वाले की तरफ है कि उसने मुझ पर फेथ किया है, तो मैं उसका बिना सोल्यूशन निकाले तो उसे नहीं भेजूँगी. तो ये स्कॉर्पियंस की पर्सनैलिटी है कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि नहीं उनकी ज़रूरत है, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें मायने नहीं रखती. क्योंकि ये जो मेरा काम भी इतना अच्छा बढ़ रहा है या मुझे इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं पैसा कमा रही हूँ, वो इसलिए मिल रहा है मैं पैसों के साथ दुआएं भी कमा रही हूँ. जो लोग ठीक होते हैं, अभी रिसेंटली एक वेंटिलेटर का पेशेंट, मेरे बर्थडे की पार्टी थी एंड सेम डे आई रिसीव्ड अ कॉल कि उनके फादर को पैरालिसिस हो गया था, आवाज़ चली गई थी, वेंटिलेटर पे चले गए थे, अटैक आ गया था उनको. तो इतनी ज़्यादा सीरियस उनकी हालत कि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि बहुत कम चांसेस हैं इनके. रेमेडीज़ कह लो, प्रडिक्शंस कह लो, या कोई भी चीज़, जब उस लेडी ने मुझे कंसल्ट किया, फेथ दिखाया उस टाइम पे, इतने मतलब कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी में उसने मुझ पर फेथ दिखाया एंड वी वर्कड ऑन इट. एंड थैंकफुली 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैंने टेस्टिमनी शेयर किया था, उनके फादर की स्पीच तक भी वापस आ गई है. और ये मेरे लिए टचवुड बहुत बड़ी बात है कि वो गुड फॉर्चून मेरे हिस्से में आया, कि मैं कुछ अच्छा हुआ दुनिया में और वो मेरे थ्रू होके निकला, तो ये मेरा गुड फॉर्चून है. तो वो गुड फॉर्चून के लिए काम करना चाहिए हमें, ठीक है. स्कॉर्पियंस ही आपके लिए वैसे गाइडेंस है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, ये याद रखना कि गुड फॉर्चून कमाते हो और उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में. चलिए नेक्स्ट स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पियंस के लिए देखते हैं 2021 में क्या गाइडेंस है. कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फीड देम. स्कॉर्पियंस, हो सकता है बर्ड्स और एनिमल्स काफ़ी पसंद हों आपको, मुझे भी हैं. तो अगर पसंद है तो थोड़ी सी सेवा बढ़ा दो उनकी. हो सकता है कई बार जैसे हम लोग स्कॉर्पियंस में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छे लेवल पे देखी जाती है, नो डाउट. तो वो उस स्पिरिचुअलिटी को कंपैशन के साथ जोड़ दो. स्कॉर्पियंस, आपके लिए गाइडेंस आई है कि अगर आप चींटियों को या पक्षियों को या जानवरों को या इवन हमारी जो गौ माता है, गाय की रोटी कई लोग निकालते हैं घर में, ऑलरेडी निकालते हैं, लेकिन थोड़ी और सेवा कर सकते हैं तो वहाँ कीजिए.
जितना आप कंपैशन इन जीव जंतुओं को देते हो उससे कई गुना ज़्यादा कंपैशन आपको वापसी में मिल जाता है भगवान के थ्रू। तो ये स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस है 2021 के लिए कि अभी तक अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे तो आपको 2021 में थोड़ा सा पक्षियों पे और जानवरों पे इन सब के लिए आपको थोड़ा सा कंपैशन शो करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियंस। मैं इतनी सी गाइडेंस दूंगी क्योंकि स्कॉर्पियंस ऑलरेडी बहुत समझदार तो होते हैं बट थोड़े से इमोशंस में बह जाते हैं कई बार लेकिन ठीक है, कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है फिलहाल के लिए। जितना हाथ से दान निकलेगा उतना लाइफ से कर्जा भी हटेगा और उतना ही लाइफ से प्रॉब्लम्स भी हटेंगे। ये स्कॉर्पियंस के लिए गाइडेंस है 2021 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस, अब आपकी गाइडेंस की बारी है। वैसे तो ये फ्लिप होके अपने आप ही आ गया मेरे पास, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी। सैजिटेरियंस के लिए गाइडेंस है मेरे पास 2021 में, सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ये देखो बाबा ना यहाँ पे पकड़ के इस पर्सन को आगे आगे लेके जा रहे हैं कि तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। किसी ना किसी रूप में आपको गाइड करेंगे कि तू ऐसे कर ले, तू यहाँ परेशान हो रहा, चल तू ये कर ले। बट कई बार क्या होता है ना, हम इधर उधर में इतने लगे हुए हैं कि अपनी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा सा इंट्यूशन पे काम करो। सैजिटेरियंस, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको लग रहा है आप लाइफ में कहीं पे अटक गए हो, अपने दिल की सुनो कि आपको दिल से क्या आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो आवाज़ परमात्मा की है। ये जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है, हो सकता है आपका कोई वेल विशर आपके इर्द गिर्द है जो आपको बताएगा कि 2021 में भी वो वेल विशर बाबा किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। उन्हें रूपों की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में पहुँच जाएंगे। तो सैजिटेरियंस के लिए गाइडेंस है 2021 में कि अगर आपको किसी भी रूप में कोई गाइडेंस मिले या आपको कोई पाथ शो किया जाए, आप ये उम्मीद मत लगाना कि सामने वाला आपका उसमें साथ देगा। वो आपको पाथ दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपने खुद है लाइफ में। सैजिटेरियंस के साथ मैंने एक बहुत कॉमनली बताऊंगी, रेजोनेट करे तो रख लीजिएगा वरना जाने दीजिएगा, कि उन्हें लगता है कि चलो सामने वाले ने रास्ता तो बता दिया लेकिन हमारे साथ भी तो चल, हमें और भी तो बता। वो तुमने 10% हमारा एफर्ट लगा दिया, अब बाकी 90% कौन लगाएगा भाई। और उसी की फ्रस्ट्रेशन में बैठ जाते हैं कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए था ना, उसने नहीं किया। अरे उसको जितना करना चाहिए था सामने वाले ने कर दिया, अब आपने खुद करना है, ठीक है। ये गाइडेंस है 2021 में जितने भी सैजिटेरियंस हैं उनके लिए कि परमात्मा सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लाइफ आपको रास्ता दिखा सकती है, चलना आपने खुद है। दूसरे के साथ की उम्मीद मत करो। अगर आप कोई बिजनेस में हो, आपको लग रहा है यार मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, यार ठीक है बिजनेस आपको पता लग गया, आप गाइडेंस लो ना। आपको लगता है आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जो हम ये यंग जनरेशन है, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, यंग जनरेशन जो हम हैं, हम लोग भूल गए हैं कि काफ़ी हद तक, बहुत सारे लोगों को तो याद है बट कुछ यंग जनरेशन आज भी ऐसी है जिन्हें ये लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं और हमारे पूर्वज नहीं। बट ये गलत है। हमारी समझ हमारे बुज़ुर्गों के आगे 1% भी नहीं है जो उनकी समझ है। हम लोग टेक्निकली अच्छे हो सकते हैं, हम लोग टेक सेवी हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, बट हमारे पूर्वजों से ज़्यादा मॉडर्न कोई नहीं था उनकी सोच की वजह से, क्योंकि उनकी सोच की वजह से ही सृष्टि इतनी अच्छी चलती आई है अभी तक। पहले के ज़माने में इतने दिक्कत नहीं होती थी जितनी दिक्कतें हम आज फेस करते हैं। तो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से हेल्प लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपसे, सपोज़ करो आपके फादर या मदर की जो आपसे एज है वो 20-25 साल ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उन्होंने लाइफ आपसे 20-25 साल ज़्यादा देखी है, उनके एक्सपीरियंसेस आपसे 20-25 साल ज़्यादा हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, भले ही आपसे 1 साल बड़ा हो, 2 साल बड़ा हो, या कोई भी हो, घर के बड़े बुज़ुर्गों से हेल्प लो। हेल्प लोगे आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। 2021 के लिए गाइडेंस है सैजिटेरियंस के लिए। चलो मूव टू कैप्रिकॉन्स, कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आया है मैसेज 2021 के लिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 31st से पहले पहले या 1st से पहले पहले आई विल डू अ टैरो सेशन, लाइव सेशन। अभी तो सिर्फ गाइडेंस की वीडियो है, तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर इट। चलो कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आई है 2021 के लिए।
वैसे मेरी वीडियोस में कई सारी गाइडेंसेस ऐसी होती हैं जो सन साइन मून साइन बेस्ड नहीं होती हैं, बिकॉज आदत है फालतू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंसेस देने की। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी गाइडेंस अच्छी लग रही है, भले ही वो आपके सन मून साइन की नहीं थी, तो उसे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ क्या सिखा के चली जाती है। चलिए कैप्रिकॉन्स के लिए देखते हैं कि साई बाबा कार्ड से कैप्रिकॉन्स क्या बात है। वैसे मैं इतने कार्ड्स लेती नहीं हूँ, लेकिन तीन कार्ड्स अपने आप फ्लिप होके आ गए, मतलब आई वॉज शफलिंग एंड। चलिए कैप्रिकॉन्स आपके लिए देख लेते हैं। पहला मैसेज है साई बाबा की तरफ से, सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। अभी पीछे मैंने एक गाइडेंस निकाली थी और उसके अंदर भी सेम चीज़ आई थी कि जब हम अपनी लाइफ के बारे में भगवान को समझाने लग जाते हैं ना, आप ऐसे कर देना, आप ऐसे कर देना, इस टाइम पे मेरी शादी करा देना, इस टाइम पे मेरा बच्चा हो जाए, इस टाइम पे मेरी नौकरी लग जाए, मुझे 50,000 1,00,000 की नौकरी मिल जाए, वो कहते हैं पहले तुम ही कर लो, तुम बता लो मुझे, मैं तो बाद में अपना प्लान बताऊँगा। जब हम अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हैं, उनके चरणों में छोड़ देते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लो, मुझे पता आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता किसी चीज़ को, तो आप मुझे सिर्फ गाइडेंस दो कि मैं क्या करूं, और मैंने आप पे छोड़ दिया, मेरी किस्मत का होगा मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा मुझे पता आप वही दोगे। तो ये गाइडेंस पहली है 2021 में कि ये एटीट्यूड रखना है। कैप्रिकॉन्स आपने पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है बैलेंस, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एंग्जाइटी बढ़ी हुई है मैक्सिमम कैप्रिकॉन्स की, और जो मुझे सेंस हो रहा है वो पिछले दो हफ्ते से ज़्यादा बढ़ी हुई है। कैप्रिकॉन्स दो हफ्ते से हो सकता है आप किसी इमोशनल या मेंटल पेन में हो, माइंड बैलेंस में नहीं है। वैसे तो बुगला भी जाता है कि जहाँ पे आपका मून डिप्लेशन में आ जाता है या मून इफेक्टेड हो जाता है, वहाँ पे भी आपको डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए यू कैन कंसल्ट मी पर्सनली, बट अभी बैलेंस की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो भाई, सांस लेने की ज़रूरत है, इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है सिचुएशन में। कैप्रिकॉन्स वैसे बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाते हैं, चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, बट जब तक वो सॉल्व नहीं होती है ना, वो इतना पैनिक रहते हैं कि वो पता नहीं क्या हो गया। तो आई शुड नॉट से दिस, बट मेरे जो फादर है ही इज ऑल्सो कैप्रिकॉन, और उनके अंदर भी आज भी वो चीज़ें हैं कि जब तक कोई परेशानी सॉल्व नहीं होती ना, तो वो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, हुआ नहीं हुआ नहीं, मैं तो ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। हालांकि कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, बट थोड़ा बैलेंस कम, सॉरी पापा, बट हाँ थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड आया है फेस द पेन, द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रिजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो क्या कैप्रिकॉन्स, कि आगे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये जो आज आपकी सफरिंग है वो इसलिए नहीं कि सफरिंग है इसलिए पेन हो रहा है, नहीं, वो पेन इसलिए हो रहा है आप उसको रिजिस्ट कर रहे हो, फेस ही नहीं करना चाहते, फेस करो रियलिटी को। लाइफ में हो सकता है बहुत पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में खड़ी भी हैं इस टाइम पे, आपको लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए। कई लोगों का तो मुझे सेंस हो रहा है कि बिजनेस भी अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, जॉब अच्छी नहीं चल रही, जाने की पूरी उम्मीद है कि जॉब भी जा सकती है कल को, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा सकता, हो सकता है मेरा रिलेशन में ब्रेकअप हो जाए या ये इंसान मुझे कमिट ही ना करे, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं कईयों को। ये जो आप डरते हो ना, ये डर निकालने की ज़रूरत है। तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए तीन गाइडेंसेस आई हैं, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करना, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं तो जाने देना किसी कई सारे लोग कहते हैं मार्केट में इतने सारे लोग हैं, हम किसी की भी गाइडेंस देख लेंगे, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं हमें। तो ये उनके लिए है जिनको ज़रूरत है, नहीं है तो आप और ऑप्शंस भी देख सकते हो, आई एम जस्ट किडिंग, जिसका जहाँ कनेक्शन बने वो उस गाइडेंस को फॉलो करे, बट मेरी साइड से अभी फ़िलहाल के लिए 2021 के लिए ये गाइडेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्वेरियस पे, एक्वेरियंस आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि 2021 में आपके लिए साई बाबा कार्ड से क्या गाइडेंस है। ये क्या बात हो रही है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, क्या बात है, अकेलापन लग रहा है क्या? वो कहेंगे हाँ मैडम आप तो बस हंस के बोल रहे हो, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमें ही पता है। बाबा आपसे कहना चाहते हैं आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े हुए हैं, बस आप ही फील नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा ब्लॉकेजेस खोलो अपने माइंड के,
देखो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी अपने आप में इतनी सक्षम होती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ देखी हैं जो बिना दवाइयों के भी रिकवर कर जाते हैं। कहते हैं ना कि पॉजिटिव बॉडी में तो आप टॉफ़ी भी डाल दोगे ना, ये बोल के उसको खिला दोगे कि भाई ये टॉफ़ी खा ले इससे ठीक हो जाएगा, और वो पॉजिटिव है कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो उसके अंदर वो टॉफ़ी भी काम कर जाएगी। बट अगर एक नेगेटिव बॉडी है, मैं तो जीना ही नहीं चाहता, मैं तो जीना ही नहीं चाहती, ये तो मेरी लाइफ ही बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल झंड है, अगर ले मैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो बिल्कुल, मैं तो परेशान हो गई, ऐसे में बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आके आपकी बॉडी में अच्छे से अच्छा इंजेक्शन लगा देगा, आपका भी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है कि दवाइयाँ जो होती हैं वो अपना असर करती हैं, लेकिन बॉडी की पॉजिटिविटी, माइंड की पॉजिटिविटी बहुत काम करती है। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, काम करवाने के लिए भी आपको वो, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होएगा, नहीं रहोगे तो नहीं होएगा। तो आपको बाबा भी ये कह रहे हैं 2021 में, हो सकता है आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो 2021 में, आपका कोई बड़ा टास्क है जो आप कंप्लीट करने पे हो कि मैं प्लान करके बैठा हूँ नए साल पे करूँगा या नए साल पे करूँगी, उसके अंदर याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आगे होगी उसके अंदर अभी तक भी, इवन जो भी कुछ हुआ है उसमें भगवान आपके साथ ही खड़े थे, तो जब अभी तक उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा तो फिर आगे क्यों छोड़ेंगे। कोरोना में दुनिया ख़त्म हो गई, और कोरोना क्या वैसे ही ख़त्म हो गई, कई सारे लोग तो वैसे ही दुनिया में नहीं है इस टाइम, या कुछ लोग वैसे ही पेन में हैं, बट हम उनसे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में हैं। इसी चीज़ का एप्रिसिएशन इसलिए है क्योंकि भगवात्मा हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है एक्वेरियंस ने 2021 में। चलिए लास्ट साइन मेरे पास है पाइसिस का, तो पाइसिस के लिए देख लेते हैं 2021 के लिए क्या गाइडेंस है। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। इमोशंस क्यों भर गए पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो, वाटर साइंस। पाइसिस आई नो आप बहुत इमोशनल हो भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मुझे पता है मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं किसी और को क्या बोलूँ। बट फिर भी भगवान की दया से काफ़ी हद तक आई कुड मैनेज इट। बट हाँ, जिनके पास अभी ये वाला साइंस नहीं है या आप लोग हीलर नहीं है, ऑब्वियसली बहुत, मतलब ये क्या है, शिव शक्ति, हम ही शिव हैं, हम ही शक्ति हैं, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, दोनों ही हमारी बॉडी, जैसे कहते हैं ना अच्छाई और बुराई हमारी बॉडी में या दुनिया में, अच्छाई के बिना बुराई की कीमत नहीं, बुराई के बिना अच्छाई की कीमत नहीं। कर लो, कई लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कई बार कि ईविल आई हो गया, नज़र लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ एक बात बताइए, अगर दुनिया में भगवान है तो राक्षस क्यों नहीं है? राक्षस है तो भगवान है ना, या भगवान है तो राक्षस है, अदरवाइज भगवान को डिफ्रेंशिएट किस चीज़ से करेंगे हम? दुनिया में सारे ही सुखी हो जाएंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? ये तो ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज़ अचीव होने के बाद जब तक मिलती नहीं है तब तक हम भगवान जी करते रहते हैं, जैसे ही वो मिल जाती है 2 दिन उनको प्रसाद चढ़ा जाते हैं, 3रे दिन फिर भूल जाते हैं। ये इंसान है, हम इंसान हैं कि हमें कुछ भी मिल गया तो उसकी वर्थ नहीं, और नहीं मिला तो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है हमारी लाइफ का, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत इमोशनल हूँ, या मेरे से मैं डरपोक हूँ, या मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी 2021 में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपको ये लगे, तो एक बात याद रखना कि वो शक्ति जो है ना उसको कराने के लिए, वो आपके अंदर खुद ही है, ये आप खुद ही हो जो डेडलॉक करके बैठे हो, दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। 90% जो लेडीज़ मेरे पास आती हैं, दे आर मोर विद एंग्जाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, माइग्रेन के इश्यूज़ होते हैं। आज आपको बहुत एक प्लस पॉइंट, मतलब एक बारीकी की बात बता देती हूँ, माइग्रेन किसको होता है। अगर आपको माइग्रेन इश्यूज़ हैं, आपके साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक आपको परफेक्शन का कीड़ा है, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए आपको, दूसरा आपके साथ अंदर 24 घंटे ये फीलिंग रहेगी कि मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, किसी और के अकॉर्डिंग चल रही है। माइग्रेन में ये 2 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो माइग्रेन करवाते हैं, और लेडीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं क्योंकि उनको परफेक्शन की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मेरी ईयरिंग्स इससे मैच नहीं कर रही, मेरा सेट इससे मैच नहीं कर रहा, मेरा लाइनर इससे मैच नहीं कर रहा, वो सारे में यही लगी रहती हैं। मैं खुद लगी रहती हूँ कई बार, ज़्यादा नहीं, बट बहुत ही
कम उसके अंदर, ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर ये चीज़ ओवर हो जाए तो आपको माइग्रेन करा देती है। तो साइकोलॉजिकली एक डिजीज़ ये भी होता है और एक डिजीज़ थायराइड भी होता है। थायराइड लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इसलिए भी होता है, ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। रीज़न, एक्सप्रेस नहीं करती हैं, पेन को यहाँ होल्ड करके रखती हैं, बोलती नहीं हैं, तलपती रहेंगी 4 महीने 5 महीने। अगर बोल दोगे तो ये ग्लैंड रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होएगा थायराइड नहीं होगा, थायराइड की मेडिसिन अपने आप छूट जाएगी, यहाँ से ठीक रहो। तो ये गाइडेंस स्पेशली मैंने पाइसियंस को दी है, क्योंकि मुझे पता है ये जो डिप्रेशन है, माइग्रेन है, या फिर ये थायराइड इश्यूज है, ये पाइसियंस लेडीज़ के अंदर ज़्यादा मिलेगा इस टाइम पे, व्हाट आई एम फीलिंग। मैं ये नहीं कहती कि बाकी सन साइंस मून साइंस को नहीं होगा, बट हाँ जो मुझे अभी फील हुआ कि ज़्यादातर जो लेडीज़ देख रही होंगी उनको ये इश्यूज़ होंगे, और यही रीज़न है, यहाँ से आती है बीमारी पहले। बॉडी में बीमारी ऐसे ही नहीं आ जाती। मेल मेंबर्स को पेट क्यों ज़्यादा निकले हुए होते हैं? क्योंकि ये हमारा सोलार प्लेक्सस है। इट इज़ रिलेटेड टू करियर, इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, इट इज़ रिलेटेड टू मैरिज। पैसे से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड टेंशन लेने वाली लड़कियां हो या लड़के हो, सबसे पहले पेट बाहर आता है उनका, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो इसके अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पाइसियंस, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके अंदर जो शिव शक्ति है, दोनों को बैलेंस करके चलो। शिव भी आप हो, शक्ति भी आप हो, ठीक है? 2021 में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अपनी शक्ति भूल जाते हैं हम लोग। लेडीज़ के लिए तो वैसे एक चीज़ और बोली जाती है कि ये दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है नहीं कर सकती, सिवाय एक के, ये अपनी वर्थ खुद नहीं समझती। एक लेडी ऐसी नहीं मिलेगी जिसको अपनी वर्थ समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आती है तो दूसरों के ऊपर शक्लें देखती रहती हैं कि ये हमारी वर्थ करेगा, पहले हम खुद तो कर लें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है 2021 में। बहुत सारी गाइडेंसेज मैं करती रहूँगी, वीडियोज़ भी बनाएंगी, सब चीज़ें होंगी, बट हाँ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोमिनेंट तरीके से हम लोग बता देते हैं ना कि स्पेसिफिक आप ही के लिए, तो इंसान खुश हो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए। बट गाइडेंस सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। गाइडेंस गाइडेंस होती है, कौन सी कहाँ से मिल जाएगी पता नहीं लगेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाकी ये विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टा और यूट्यूब पे, दोनों जगह पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू दैट, ठीक है? एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम लाइव अगेन, और एक दो दिन में करते हैं टैरो सेशन, फ्री टैरो सेशन रहेगा, लाइव रहेगा। तो आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। सो टेक केयर, बाय बाय।